उधर बिहार के गया में हर महीने 10,000 रुपए कमाने वाले एक आदमी को इनकम टैक्स विभाग ने 2 करोड़ का नोटिस भेज दिया। जिस आदमी को आयकर विभाग का नोटिस मिला उसने बताया कि नोटिस मिलने के बाद उसने आयकर विभाग के दफ्तर के कई चक्कर लगाए, लेकिन इनकम टैक्स के 2 करोड़ के नोटिस के मामले में उसे कोई राहत नहीं मिली। गया के रहने वाले राजीव कुमार वर्मा ने बताया कि उन पर लाखों रुपए का जुर्माना भी लगा दिया गया। हमको 67 लाख 68 लाख रुपए का फाइन जोड़ रहे हैं, गरीब आदमी हम कहां से देंगे। राजीव कुमार के मुताबिक उन्होंने कुछ साल पहले बैंक में 2 लाख का फिक्स डिपॉजिट करवाया था, जिसे आयकर विभाग ने 2 करोड़ का फिक्स डिपॉजिट बताया और वो 2 करोड़ के नोटिस के झमेले में फंस गए। हमको इधर साल भर पहले एक नोटिस आया है, फिर एक 8 दिन पहले आया है कि आप 2 लाख का नहीं 2 करोड़ का आपका एफडी था। गया के रहने वाले राजीव कुमार वर्मा एक दुकान में काम करते हैं और महीने में 10 से 12 हजार रुपए कमाते हैं। उनके मुताबिक आयकर विभाग की ओर से उन्हें मामला सुलझाने के लिए और उसके खिलाफ अपील करने के लिए केवल 2 दिन का समय दिया गया।